सक्सेना और हमारे साथ अमित भी लाइव जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले कुलभूषण आपका रुख कर लेते हैं, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ऐलान किया गया है कि एक और दिन की छुट्टी सरकारी कर्मचारियों को मिलने जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कुलभूषण, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का जो मामला है वो अमित जी बताएंगे, मैं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ। जी अमित, आपका रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि देखिए, जिस तरीके से छुट्टी की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन छुट्टी की घोषणा जो की गई है, अब ऐसे में इस छुट्टी के बाद से सरकारी कर्मचारियों में क्या खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और किस तरीके की जानकारी सामने आ रही है फिलहाल? बिल्कुल, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महार पटेल समाज के एक सम्मेलन में, जहां पे एकीकरण कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें रोटी और बेटी के रिश्तों को जोड़ने की बात कही गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं महार समाज बिखरा हुआ था, तो ऐसे में उन्होंने एकीकरण कार्यक्रम रखा था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे बुलाए गए थे। और यहाँ पर महार समाज की तरफ से एक बड़ी मांग आई थी कि छेरछेरा पुन्नी मेला और जो शाकंभरी जयंती है, माता शाकंभरी जयंती, ये दोनों एक ही दिन होते, तो ऐसे में एक शासकीय छुट्टी यहाँ पर घोषित की जाए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए तत्काल प्रभाव से वही कार्यक्रम में ही घोषणा की कि अब सार्वजनिक छुट्टी छेरछेरा पुन्नी मेला की होगी। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में एक तरह से छेरछेरा पुन्नी मेला एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है और उसमें जो महार समाज है वो मुख्य रूप से शामिल होता है। इस तरीके से कहा जाता है क्योंकि वो शाकंभरी देवी की पूजा के बाद यह पुन्नी मेला मनाया जाता है और सभी गांवों की बात करें, कस्बों की बात करें, जिलों की बात करें, सभी जगह तालाब किनारे यह पुन्नी मेला भरता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि छेरछेरा पुन्नी मेला में जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी उत्साह है, खुशखबरी है एक तरह से उनके लिए कि कहीं ना कहीं वह छेरछेरा पुन्नी मेला में जाने से वंचित हो जाते हैं क्योंकि सार्वजनिक छुट्टी में शामिल नहीं होता था। तो ऐसे में जिस तरीके से राज्य सरकार ने अब छुट्टी की घोषणा कर दी है, तो निसंदेह कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ के जो शासकीय कर्मचारी वह भी छेरछेरा पुन्नी मेला में प्रमुख रूप से शामिल हो सकेंगे। जी ठीक, अमित आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से कुलभूषण का रुख कर लेते। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव को लेकर के अब लगातार तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से अपनी पार्टी को बल दिया जा सके, ऐसे में लगातार जनसभाओं को संबोधित भी करते हुए तमाम नेता भी नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आज ये देखा जाएगा कि मध्यप्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में उपचुनाव है। ऐसी स्थिति में 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। पहले 2 दिन पहले प्रचार थमता था, लेकिन अब जो चुनाव आयोग के नए नियम है कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 27 तारीख की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमेगा और अब 2 दिन मात्र बचे हुए हैं। ऐसी स्थिति में तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अपना दमखम दिखाते हुए चुनावी क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज ज्योतिरादित्य सिंधिया एक मंच में नजर आएंगे। पीडी शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ऐसे तमाम दिग्गज जो है आज चुनावी क्षेत्र में दौरा, जनसभा, रोड शो और इसके साथ ही चुनावी चौपाल करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भी दौरा कार्यक्रम आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र में है। हालांकि इस उपचुनाव में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जो विधायक है सचिन बिड़ला, वो कांग्रेस पार्टी छोड़ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। हालांकि ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि कांग्रेस को एक ये बड़ा झटका है, जहां एक तरफ तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के चुनावी मैदान में है, वहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अकेले ही नजर आ रहे हैं। कल सचिन पायलट की भी जनसभा और रोड शो देखा जाएगा खंडवा लोकसभा में, लेकिन ऐसी स्थिति में चुनाव के समय कांग्रेस विधायक का छोड़ना, कहीं ना कहीं कांग्रेस की कई कमियां हैं। कांग्रेस के नेतृत्व पे सवाल उठता है कि आखिरकार वो अपने विधायकों को क्यों नहीं रोक पा रही है, एक एक करके क्यों विधायक उनके टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कई विधायकों ने नाराजगी भी जताई है क्योंकि उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की बात करें या हाईकमान की बात करें, अगर वो उनसे मिलने के लिए समय लेते हैं तो उन्हें समय नहीं मिल पाता है। तो विधायकों की नाराजगी और इसी का फायदा जो है बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है और
किसका ही एक बड़ा फायदा बीजेपी ने चुनाव में उठाया है, जब कल ये देखा गया कि नरेंद्र सिंह तोमर सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम बड़े नेता खंडवा लोकसभा क्षेत्र में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुलभूषण, इस बीच में कांग्रेस पार्टी का तो ये भी मानना है कि अगर बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ भी रही है तो वो उन विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है जो कि पहले से ही बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति नहीं मानी जाएगी? देखिए, अगर कांग्रेस का विधायक टूटता है तो ये क्षति ही मानी जाएगी, क्योंकि बयान तो दोनों ही राजनीतिक पार्टी देती हुई नजर आएंगी। लेकिन कांग्रेस का विधायक टूटा है, एक विधायक फिर से जो है कांग्रेस का कम हुआ है, और विधानसभा में लगातार जो है कांग्रेस के विधायकों की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो विधायकों को समय नहीं देंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनका हालचाल नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती नजर आती है। सचिन बिरला जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाते थे, उसके पहले अरुण यादव और सचिन यादव के खास माने जाते थे, आज सचिन बिरला ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभा में भी शामिल होंगे, एक मंच साझा करेंगे। हालांकि इसके पहले भी सचिन बिरला ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री की जनसभा में उपस्थित थे कांग्रेस विधायक रहते हुए, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन बिरला के जी लौटते आपके पास जी लौटते आपके पास अमित का भी एक बार रुख कर लेते हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आज लखनऊ के दौरे पर जाने वाले हैं सीएम भूपेश बघेल, तो ऐसे में उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से लगभग 9 बजे के विशेष विमान से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं, और हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर जिस समय थे तो उनसे चर्चा भी हुई है, उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए लखनऊ के दौरे को लेकर। और ये मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को वरिष्ठ पर्यवेक्षक कांग्रेस हाईकमान की तरफ से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कंधों पर डाली गई है। और एक तरह से जिस तरीके से वहां प्रियंका गांधी को पूरी तरीके से कमान सौंपी गई है, तो वहां पर विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी की जुगलबंदी देखने की मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाए गए, तो टिकटों के वितरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुख्य किरदार होगा, और वहां पर आज वह जाकर प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के वे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उनसे चर्चा करेंगे, कई तरह की बैठक करेंगे वरिष्ठ नेताओं के साथ, और वहां पर आगे जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह टिकट वितरण किया जाना है, कौन पात्र है कौन अपात्र है, किसका जनाधार है, तो ये सारी चीजों पर मंथन करने के बाद टिकट की एक पहली सूची को फाइनल करने की आज स्थिति बन सकती है। जी ठीक अमित, लेकिन वही अगर जैसे अभी अब बात किया जा रहा है, अगर लखनऊ का दौरे पर जा रहे हैं सीएम भूपेश बघेल, लगातार ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती देने का काम तमाम पार्टियां भी कर रही हैं, तो सीएम भूपेश बघेल का ये जो दौरा लखनऊ का बताया जा रहा है, इसमें तमाम कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी करेंगे कहा जा रहा है, ऐसे में क्या वो मुख्य एजेंडा हो सकता है जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, या फिर क्या रणनीति आगे तैयार की जा सकती, क्या इसको लेकर के कोई जानकारी? चूंकि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश चुनाव एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा शासन है और योगी की सरकार चल रही है, और वहां पर पूर्व में भी बसपा या सपा रही है, कांग्रेस नहीं रही, तो ऐसे में कांग्रेस इस बार जिस तरीके से राजस्थान छत्तीसगढ़ और पंजाब में रही, तो उसके बाद यहाँ पर अब उनकी एक कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को एक मुख्य रूप से उतारा जाए और वहां पर मजबूती के साथ प्रत्याशी उतारा जाए, ताकि वहां पर जो कांग्रेस की स्थिति है वह सुधर सके और वहां पर वहां की जो सीटें हैं वो कांग्रेस की बढ़ सके, क्योंकि वहां पर विधायकों की संख्या भी कांग्रेस की बहुत कम हो जाती, तो ऐसे में मुख्यमंत्री की कोशिश यह होगी कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को यहाँ पर लागू करते हुए जो प्रत्याशी हैं उनको जिताया जाए। एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशियों की जीत, एक तो टिकट वितरण और दूसरे बात प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करना, एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस अभी से इसमें जुगत में भिड़ गई है, और चूंकि चुनाव आने वाले कुछ माह में ही है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई चमत्कार दिखाएंगे, ऐसा कुछ कांग्रेस हाईकमान सोच रहा है, जिसकी वजह से उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जवाबदारी दी गई। जी चलिए अमित और कुलभूषण, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत जिस तरीके की जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए इंटरन्यूज के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।